उज्जैन के कपिलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र में सुख समृद्धि और विश्व कल्याण के लिए है। इसी कामना को लेकर ग्रामीण जन श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं और पिछले कई वर्षों से यह श्रीमद् भागवत कथा और अन्य धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ भक्त श्रद्धालु पहुँचते हैं परिवार के साथ और यहाँ होने वाले धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कथा है कहाँ पर की जा रही है, कितने दिवसीय है और क्या है? ये कथा दमवाड़ा और बलड़ी के बीच में की जा रही है और ये 7 दिन से चल रही है, 7 दिन से श्रवण कर रहे हैं। इस कथा का क्या उद्देश्य है और किस प्रकार से कितने वर्षों से यहाँ पर आयोजित हो रही है? ये 21 वर्षों से ये बाबा जी पुराण का कपिलेश्वर महादेव में कथा चल रही है और इस कथा से जो कोरोना काल चल रहा है, जो देश में विपदा पड़ रही है, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से यह विपदा मिटाने के लिए परमात्मा की कृपा से महादेव कपिलेश्वर में यह कथा की जा रही है। कहाँ कहाँ से भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और यह मंदिर कितना पुराना होगा? मंदिर करीब 4000 वर्ष पुराना है। श्री कपिलेश्वर मुनि ने कपिलेश्वर धाम में कपिलेश्वर मुनि ने यहाँ पर कपिल देव मुनि ने तपस्या की है और सभी 15 गाँव के श्रद्धालु और उज्जैन इंदौर आदि क्षेत्र के देपालपुर क्षेत्र गौतमपुरा सभी क्षेत्र के श्रद्धालु यहाँ पधारते हैं और यहाँ भगवत जी का आनंद लेते हैं। आप बताइए यह मंदिर कहाँ पर है और किस प्रकार से कथा का आयोजन किया जा रहा है और क्या है? ये बलेड़ी दंगवाड़ा के बीच में है और 7 गांव की समिति लगती है यहाँ और कपिलेश्वर धाम है। ये कथा का आयोजन हमेशा यहाँ समिति रखती है कि जो मनुष्य के सुधार के लिए जैसे कि शिक्षा लगती है, प्रौढ़ शिक्षा, इसी प्रकार भागवत गंगा चलती है तो मनुष्य का हृदय सीधा होता है और अच्छी भावना प्रकट होती है। हमेशा ये समिति के लोग ऐसा आयोजन रखते हैं, वर्षों से चला रहा है और कपिलेश्वर धाम जो गंगा सागर में मंदिर है कि बस हमारे क्षेत्र मालवा के अंदर ये कपिलेश्वर धाम है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।